हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमको ये देखना है, ये हमारा क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमारा सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार हम घटा सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं। तो इसी में हम तोड़ लेंगे पहले इसको। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 4 10 के लिए 0, 5 4 9 1 10 के लिए 0, 5 2 7 1 हासिल का 8 गुणते। अब घटा देंगे इसमें तो 4 4 में 6 जाएगा, नहीं तो 14 में 6 जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 8। अब हमारा क्या है 3, तो 13 में 5 जाएगा तो क्या जाएगा, और इसमें क्या जाएगा 2, तो 288 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, वर्गमूल पूछ रहा है तो हम रूट लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम 288 का वर्ग तो होता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ के इसको हम लिख देंगे 144 गुणते 2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 800 को जी का उतार देंगे, तो इसका हमारा क्या होता है, 144 का आ जाएगा हमारा 12 के स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1600 गुणते 144। अब हमारा क्या होता है, 1600 का वर्ग भी आ जाएगा और 144 का, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो 4 हमारा निकल के आ जाए, 2 0 में 1 0 तो 40 निकल आएगा, और इसमें 12 का स्क्वायर होता है तो 12 निकल के आ जाएगा। तीन दोनों का हम गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 480 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपसे एचसीएफ पूछ दे और संख्याएं क्या हों, भिन्न के रूप में हों, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ऐसा याद रखना है, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का यानी अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और हर वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो सब में कॉमा हो तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इनमें सब में कॉमा क्या है, जब कुछ भी कॉमा नहीं होगा तो हमारा एक हमेशा कॉमा होता है, तो एक हम इसमें कॉमा निकाल लेंगे, एक बटे में हमारा क्या आएगा, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 5 का 5 3 15, अब 15 6 60, 2 से 60 में भाग चला जाएगा तो हमारा 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 1/60 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा लिया है, 4/5, 3/2, 6/7 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमको एचसीएफ पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर एलसीएम पूछ रहा है, भिन्न में है संख्याएं, तो हम ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। ये हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले सबसे एलसीएम निकालने के लिए इनमें से जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है, तो उसका हम पाड़ा पड़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 का इन दोनों में भाग जा रहा है, 3 6 12, 4 3 12, तो दोनों कट रहे हैं तो हमारा 12 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 12 हमारा एलसीएम आ गया बटे में। अब एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो इसमें कॉमा क्या है, एक हमारा कॉमा रहेगा, तो एक का कोई हर में मान नहीं होगा, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।